After discussions between both countries' prime ministers of the UK-India Young Professional Scheme. What the scheme announced is that from early 2020. तो फ्रेंड्स, आपने अभी देखा कि जैसे ये ट्रीटी साइन हुई थी इंडिया और यूके के बीच में, मिस्टर मोदी और मिस्टर ऋषि सुनक के बीच में नवंबर 2022 में, इसका जो बैलेट पड़ा है, लॉटरी सिस्टम जो हुई है, वो जनवरी में एक बार हो चुकी है, अब ये दूसरी बार जुलाई में हो रही है। दोस्तों, आज की वीडियो इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये एक कहावत पे आधारित है और वो कहावत है, अंधा क्या मांगे दो आंखें। हम इंडियंस को या बाकी किसी कंट्री के भी जो प्रोफेशनल्स हैं या जो लोग हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए अगर वर्क परमिट मिल जाए, वो भी 2 साल का, और वो भी खर्चे के बिना, बिना किसी खर्चे के, मतलब 1.5 लाख में, 1-1.5 लाख में, तो वो एकदम उसी तरह से है जो ये कहावत है कि अंधा क्या मांगे दो आंखें। तो इंडिया और यूके के बीच में जो ट्रीटी साइन हुई है, जो आपने अभी देखी, उसका जो लॉटरी सिस्टम चल रहा है, एक बार हो चुका है और ये दूसरी बार हो रहा है, जिस ट्रीटी के अंडर इंडिया से 3000 लोग जाएंगे यूके 2 साल के वर्क परमिट के लिए और वहाँ पे काम कर सकेंगे, और यूके से 3000 प्रोफेशनल्स इंडिया आके यहाँ पे काम कर सकेंगे। उस लॉटरी सिस्टम की डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि ये कैसी लॉटरी है, किस तरह से इसमें एलिजिबिलिटी है, आप कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कितनी कॉस्ट आएगी, कितना टाइम लगेगा, और आप क्या कर सकते हैं और आप क्या नहीं कर सकते हैं यूके जाके। तो इस वीडियो को आप देखिए लास्ट तक, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ये मौका बिल्कुल मत छोड़िए क्योंकि इसमें पैसे बिल्कुल नहीं लगने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ना इस बैलेट सिस्टम का, ये जो लॉटरी सिस्टम है जो इंडिया और यूके के बीच में हुई है, इसके बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि किस तरह से इसका काम होगा, कैसे ये चलेगा, क्या आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इनकी डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ मैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूके की जो वेबसाइट है वहाँ पे मैं आपको लेके गया हूँ, ये जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप जाके देख सकेंगे। तो ये इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा है, बैलेट सिस्टम, इसमें आपको बैलेट में एंट्री करनी पड़ेगी और यहाँ पे लिंक आ जाएगा उसका, और उसके बाद वहाँ से लॉटरी सिस्टम होगा और फिर आप सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे वो उसके बाद पता चलेगा। यू नीड टू एंटर, आप नीचे पढ़ सकते हैं, यू नीड टू एंटर अ बैलेट इफ़ यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा फॉर इंडिया यूथ प्रोफेशनल स्कीम। तो आपको अगर इसमें पार्टिसिपेट करना है तो आपको एंट्री लेनी पड़ेगी एक बैलेट में, और वहाँ से वो लॉटरी निकलेगी, और वो कब होगा, द नेक्स्ट बैलेट विल ओपन एट 1:30 PM, दोपहर को 1:30 बजे होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। कौन सी डेट को, 25 जुलाई को, ये जो आने वाली है, और ये कब तक चलेगा, 1:30 बजे, दोपहर के 1:30 बजे तक ही चलेगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से, और वो 27 जुलाई तक, मतलब दो दिन आपके पास 48 घंटे हैं कि आप वहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। कैसे, यू कैन एंटर एनी टाइम वाइल द बैलेट इज ओपन, जब भी ओपन होगा तो आप इस 48 घंटे में कभी भी कर सकते हैं। द लिंक टू एंटर विल बी ऑन दिस पेज, इसी पेज पे आपके वो लिंक प्रोवाइड होगा, आप वहाँ क्लिक करेंगे, आगे डिटेल्स वो मांगेंगे आपसे, आपने डिटेल्स फिल करनी है, जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे तो आप ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएंगे बैलेट के अंदर। अब वो कौन सी डिटेल मांगेंगे और आपको क्या डिटेल्स डालनी है बैलेट के अंदर एंट्री लेने के लिए, वो ये कि अगर आप इंडियन हैं, इंडियन सिटीजन नहीं है तो ये सब छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो यू आर एलिजिबल टू दिस, और एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो एलिजिबिलिटी तो मैं आपको अभी आगे चेक करा दूंगा, उसके बाद आपको क्या प्रोवाइड करना है एंट्री लेने के लिए, सबसे पहले अपना नाम आपको बताना है, फिर डेट ऑफ बर्थ, आपके पास डिटेल होनी चाहिए सारी तैयार, पासपोर्ट डिटेल्स, आपके पास पासपोर्ट है तो उसकी डिटेल्स, स्कैन एंड और फोटो ऑफ योर पासपोर्ट, आपके पास फोटो होनी चाहिए क्लियर, एकदम क्लीन, और फोन नंबर, आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो एक मेन जो नंबर होगा वो आपके पास होना चाहिए, और ईमेल एड्रेस, जो आपका मेन ईमेल एड्रेस है वो आपके पास होना चाहिए। तो ये डिटेल्स वो आपसे मांगेंगे और ये डिटेल डाल के ही आप बैलेट में एंट्री लेंगे। द सक्सेसफुल एंट्रीज विल बी पिक्ड एट रैंडम, तो रैंडमली वो सक्सेसफुल एंट्रीज निकालेंगे, और यू विल बी सेंड द रिजल्ट बाय ईमेल, आपको वो ईमेल से ही इन्फॉर्म करेंगे विद इन 2 वीक्स ऑफ द बैलेट क्लोजिंग, 27 तारीख को जो बैलेट क्लोज हो जाएगा उसके 2 हफ्ते के बाद ही वो जो सक्सेसफुल एंट्रीज होंगी उनको वो ईमेल से इन्फॉर्म कर देंगे। अनसक्सेस और इट इज़ फ्री टू एंटर,
अब आप देख सकते हो आगे कि ये फ्री है, टोटली फ्री है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। अगर आपने एंट्री लेनी है तो यू शुड ओनली एंटर इफ़ यू प्लान टू अप्लाई, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तभी आपको एंट्री लेनी है, जिसका कॉस्ट 259 था। और अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 3000 जो है एंट्रीज मिलेंगी इस पूरे साल में, जिसमें से कुछ जो है फरवरी में हो चुकी हैं और रिमेनिंग विल बी गिवन इन जुलाई बैलेट, और अभी जुलाई में होंगे तो ये नेक्स्ट ईयर भी होंगी, वो अलग बात है। हर साल ये 3000 का है। और यू विल यू कैन ओनली सबमिट वन एंट्री, आप अपने लिए सिर्फ एक ही पर्ची डाल सकते हैं, याद रखिएगा, या तो आप अपनी वाइफ के लिए डाल सकते हैं या आप किसी ब्रदर के लिए डाल सकते हैं। और कोई आगे अटैम्प्ट अगर दोबारा लेना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप जो अगला कोई अटैम्प्ट होगा तो आप दोबारा ले सकते हैं। जैसे अगर किसी ने फरवरी में किया है उसका नहीं हुआ तो दोबारा जुलाई में डाल सकता है। सक्सेसफुल एंट्री, अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो यू विल बी इन्वाइटेड टू अप्लाई फॉर ए वीज़ा, तो आपको अप्लाई करने के लिए बुलाया जाएगा और 30 डेज के अंदर अंदर आपको जो भी ईमेल आती है, सपोज करो आपको 1 अगस्त को ईमेल आई है तो आपको 30 अगस्त से पहले पहले अप्लाई करना है, पे द वीज़ा अप्लीकेशन फ़ीस और इमिग्रेशन हेल्थ चार्ज। तो ये फीस आपको देनी पड़ेगी, मैं आपको आगे बताता हूँ। इफ़ यू आर सक्सेसफुल इन द बैलेट बट चूज नॉट टू अप्लाई फॉर द वीज़ा, आप सक्सेसफुल भी हो गए हैं लेकिन आप अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, आपने सोचा नहीं करना है, तो यू नीड नॉट टू टेल अस, हमें बताने की कोई जरूरत नहीं, जो बहुत ही मुश्किल होगा वैसे तो। अनसक्सेसफुल एंट्रीज, अगर आपकी एंट्री नहीं होती है और आप अप्लाई अपील नहीं कर सकते हैं अगर आप नहीं चूज हुए हैं, एंड यू कैन एंटर फ्यूचर बैलेट्स इफ यू आर अनसक्सेसफुल, अगर आप चाहें तो आगे के जो फ्यूचर में होगा वो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अभी मैंने आपको बता दिया कि बैलेट में अगर एंट्री लेनी है आपने, लॉटरी सिस्टम में जब आप एंट्री लेंगे तो वहाँ पे आपने क्या क्या डिटेल भरनी है। अब मैं आपको एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं लॉटरी में तो आप कैसे अप्लाई करेंगे वो सारी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको मैं यूके की ही वेबसाइट के दूसरे पेज पर लेके गया हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा के अंडर जो ओवरव्यू है वो ये है कि आपकी एज जो है 18 और 30 के बीच में होनी चाहिए, जैसे आपको बता दिया है, और आप जो हैं यूके में रह भी सकते हैं और काम भी कर सकते हैं लगभग 2 साल तक। तो ऑल इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा अलाउज इंडियन सिटीजन बिटवीन 18 टू 30 ईयर्स ओल्ड टू लिव एंड वर्क इन द यूके फॉर अप टू 2 ईयर्स, 2 साल तक वहाँ पर रह सकते हैं, वहाँ पर काम कर सकते हैं। और आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ उस बैलेट में एंट्री लेनी है और डिटेल्स आपको मैंने बता दी हैं कि क्या क्या आपने उसमें भरना है। एलिजिबिलिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं, वही चीज़ दोबारा लिखी हुई है, एलिजिबिलिटी आप देख लीजिए। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा के लिए, और आप वीज़ा में जब अप्लाई करेंगे तो आपकी एलिजिबिलिटी में आपकी इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है, आपके पास पासपोर्ट होगा तो आप इंडियन सिटीजन हैं, आपकी एज 18 से 30 साल है तो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर आप एलिजिबल क्वालिफिकेशन, मतलब कि अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कम से कम डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री, अगर आप 10th या 12th के पास हैं तो वो नहीं बनेगी बात, और आपके बैंक में बैंक अकाउंट में पाउंड 2530 होना चाहिए, वो तकरीबन 2,70,000 के करीब करीब बनता है। और आपको मैं बता दूँ फुल लिस्ट ऑफ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, और हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो क्वालिफिकेशन है, जो आपकी डिग्री है वो कौन कौन सी हैं, किस लेवल की हैं, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन से दूसरी कंट्रीज़ में जो ना लेवल्स होते हैं, तो वो मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैं लेके आया हूँ दूसरे पेज में, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डिग्री है ये आप दोबारा देख सकते हैं कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी 18 से 30 के बीच में है, और जब आप यूके ट्रैवल करेंगे उस दिन आपकी एज कम से कम 18 होनी चाहिए, और बैचलर डिग्री जो है वो कम से कम लेवल 6, 7, 8, तो कम से कम 6 लेवल की आपकी डिग्री होनी चाहिए। जो दूसरी कंट्रीज होती हैं वहाँ पे लेवल चलते हैं, तो लेवल 1, 2, 3, 4, 5, और अगर आपके पास डिप्लोमा है सिर्फ, आपने सिर्फ 10th की है 12th की है, तो वो लेवल 5 तक जाएगा। तो अगर आपने डिग्री की है कम से कम बैचलर डिग्री की है, बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, या ऑर्डिनरी डिग्री की है विदाउट ऑनर्स, तो वो लेवल 6 में आएगा और तभी आप एलिजिबल होंगे। आपको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी क्वालिफिकेशन, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहती है एक्चुअली,
तो आपको ये समझना जरूरी है कि आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर मैच कर रही है, अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, तभी आप वहाँ पे बैलेट में एंट्री लेंगे। मास्टर डिग्री की है, आपने डॉक्टरेट की है, तो बट ऑब्वियस आप क्वालिफाइड हैं, तो आप डिग्री बैचलर डिग्री आपकी हो ही रखी है, तो आप बैलेट में एंट्री ले सकते हैं। तो आपको एलिजिबिलिटी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एलिजिबल नहीं हैं और आपने बैलेट में एंट्री ले ली, और अगर आप सक्सेसफुल हो भी गए तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आप रिजेक्ट हो जाएंगे। इसीलिए आपके ये जो पैरामीटर्स हैं, ये आपको बहुत अच्छी तरह समझना ज़रूरी है कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, क्या वो लेवल है, और आपके पास पैसे कितने होने चाहिए सेविंग अकाउंट में टू सपोर्ट योरसेल्फ इन द यूके। तो ये लगभग 2,70,000 के करीब बैठता है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो सबसे बड़ा बैरियर है वैसे तो, कि आपके बच्चे नहीं होने चाहिए जिनकी एज 18 से नीचे है, तो नॉट हैव एनी चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18। आपके पास आपके बच्चे 18 से ऊपर होने चाहिए हु लिव विद यू। तो कोई भी बच्चा अगर आपके साथ रह रहा है जिसकी एज 18 से नीचे है, तो आप एंट्री नहीं ले सकते। ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, वरना बाद में आपको पछताना पड़ेगा। बाकी चीज़ें तो आपको समझ में आ जाएंगी, लेकिन ये चीज़ समझना थोड़ी सी कन्फ्यूज़न वाली बात है कि आपके घर में बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, तो उनकी एज 18 से ऊपर होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। दूसरी क्वालिफिकेशन आपने देख ली, मनी सपोर्ट जो है वो आपने देख लिया कि आपके पास पाउंड 2,530 होने चाहिए, लगभग 2,67,000 बैठता है ये। और वो जो पैसे आपके अकाउंट में है ना, दे विल नीड टू हैव एटलीस्ट फॉर 28 डेज इन ए रो, लगातार 28 दिन तक कम से कम आपके अकाउंट में 2,70,000 के करीब करीब रहना चाहिए, तो ही आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। अभी तक आपने एलिजिबिलिटी देख ली है, अब मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड टू अप्लाई। अप्लाई करते वक्त आप सक्सेसफुल हो गए हैं, अप्लाई करना है आपने अब वीज़ा के लिए, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैं आपको बता देता हूँ, जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस वगैरह होंगी, जो आपकी एलिजिबिलिटी बनी है, उसको सपोर्ट करते हुए ही आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो आपको अपना पासपोर्ट दिखाना होगा। अगर आप कोई क्वालिफिकेशन आपकी बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है, तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स यू मस्ट प्रोवाइड व्हेन यू अप्लाई, यू विल नीड टू प्रोवाइड अ वैलिड पासपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट। तो नेचुरली सिटीजनशिप दिखाने के लिए आपको पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा, और एविडेंस दैट यू हैव एटलीस्ट 2,530 इन योर अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट आपको दिखानी पड़ेगी, एविडेंस ऑफ क्वालिफिकेशन दिखाना पड़ेगा आपको, जो डिग्री होगी, योर ट्यूबरकुलोसिस टीबी टेस्ट आपको दिखाना पड़ेगा। ये टीबी का टेस्ट होता है जब भी किसी और दूसरी कंट्रीज में जाते हैं ज़्यादा देर रुकने के लिए, तो ये टीबी टेस्ट होता है, और पीसीसी और जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो होगा। तो ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट की मैं आपको यहाँ पे डिटेल दिखा रहा हूँ कि आप कहाँ पे करवा सकते हैं, कैसे करवा सकते हैं। इन्होंने पूरी जानकारी दी हुई है कि आप कौन से सेंटर, अगर आप इंडिया के दूसरे कोने में हैं तो आपके शहर के आसपास जो दूसरा शहर है, तो वहाँ पर कौन कौन से सेंटर्स हैं जहाँ पर आप जाके टीबी का टेस्ट करवा सकते हैं, वो ही इनके क्या कहते हैं वेरीफाइड होंगे, रिकॉग्नाइज्ड होंगे, डॉक्टर्स होंगे, वहाँ पे जाके आप करा सकते हैं। या लिस्टेड कंट्रीज़ में हम क्लिक करेंगे, जो कंट्रीज होंगी कंट्री वाइज इन्होंने सबको अप्रूव किया हुआ क्लिनिक्स को देख सकते हैं, कंट्रीज एंड वेयर टू फाइंड अप्रूव्ड क्लिनिक्स। तो क्लिनिक्स आपके शहर के आसपास होंगे, तो वहाँ आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं। इंडिया में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंडिया में जो भी शहर हैं जहाँ पे इनके अप्रूव्ड क्लिनिक्स होंगे, वहाँ जाके आप टीबी का टेस्ट कराएंगे, और वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अप्लाई करते वक्त ध्यान रखिएगा, वही डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप अप्लाई करते वक्त देंगे एम्बेसी में। आपने बैलेट में एंट्री ली, आप सक्सेसफुल हो गए, आप एलिजिबल हैं, आप डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, और टीबी का जो डॉक्यूमेंट अप्लाई करेंगे वो कहाँ से लेंगे, वो यहाँ से लेंगे। आपके पूरे इंडिया में बेंगलोर, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, लुधियाना, आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड में है, तो बेंगलोर में जो है ये मेडिकल डायग्नोसिस्ट है, न्यू दिल्ली में इंद्रप्रस्थ हॉस्पिटल है, वहाँ पे आप जाके टीबी का टेस्ट कराएंगे, नोएडा में, पुणे में, हर जगह, लुधियाना में, हर जगह यहाँ पे, चंडीगढ़ में, आप देख सकते हैं जो भी टेस्ट होंगे यहाँ पे आप क्लिनिक में जाके इनसे डॉक्यूमेंट लेके आप अपना टीबी का टेस्ट देंगे, बस और कुछ नहीं है।
डॉक्यूमेंटेशन देखी जाए तो कोई इतनी भारी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, हर चीज़ इन्होंने आसान रखी हुई है। जो कॉस्ट है वीज़ा का वो भी बहुत कम है, जो पैसे आपने दिखाने हैं बैंक में वो भी बहुत कम है, और मेडिकली भी आपको टीबी का टेस्ट कराना है और पीसीसी पुलिस वेरिफिकेशन हर जगह हर टाइम हर तरफ चाहिए, वो हर वीज़ा के लिए चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वो मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे, मैं लिंक में ही क्लिक करके आपको बता रहा हूँ कि क्रिमिनल रिकॉर्ड आपने अगर लगाना है अपना, तो आपने देखना है तो कहाँ से होगा, आप देख सकते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन आपका जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहीं से ही आपको करवानी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है कि नहीं समझ में आ रही हो। तो वहाँ से आप अपना ये इंडिया के कंट्री इंडिया में हमने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे पुलिस लोकल पुलिस रिपोर्ट लोकल पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ही आपको चाहिए होता है और कुछ नहीं है। दोस्तों बाकी सारी चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं, वीज़ा जो है उसका कॉस्ट कितना है वो आपको मैं बकायदा पूरा ऑफिशियली बता देता हूँ यहाँ पे। एप्लीकेशन फीस £259 है और हेल्थ केयर रिसर्च चार्ज ऑफ £940 है, तो ये लगभग 259 27,313 और 940 जो है वो 99,000 मतलब 1,00,000 के करीब होगा, और आपको प्रूव करना है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं, तो ये आपका कॉस्ट है वीज़ा के लिए। और एक बात ध्यान रखिएगा कि आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है रिफंड नहीं होगी अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आप सेलेक्ट हो चुके हैं, आपने अप्लाई किया, आपने पैसे लगा दिए हैं, लेकिन जो फीस है वो आपको वापस नहीं मिलेगी 27,000। हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे, तो आप 24 महीने के लिए वहाँ पे रुक सकते हैं या 2 साल के लिए रुक सकते हैं वहाँ पे, आप रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, और इसी 2 साल के दौरान कभी भी आप आ जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ कि आप वहाँ पे जाके यूके में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, तो व्हाट यू कैन डू एंड यू कांट डू। यू कैन स्टडी फॉर सम कोर्सेज इफ़ यू, अगर आप चाहें तो कोर्सेज कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, या फिर आप काम कर सकते हैं, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी कुछ अपना काम कर सकते हैं, अपनी कंपनी सेट कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज योर प्रमाइसिस आर रेंटेड, अगर आप रेंट में रह रहे हैं कुछ खरीद नहीं रहे हैं और आपके जो इक्विपमेंट्स हैं वहाँ पर लैपटॉप या प्रिंटर या कुछ है उनकी वर्थ £5,000 से ज़्यादा नहीं है, एंड यू डो नॉट हैव एनी एम्प्लॉयज, और आपने किसी को नौकरी पे नहीं रखा, तब तक आप अपने आप अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ पे कुछ भी। यू कैन नॉट, और आप क्या नहीं कर सकते हैं वहाँ पे, यू कांट एक्सटेंड योर स्टे, आप 24 महीने के लिए वहाँ पे गए हैं, आप 2 साल के लिए वहाँ पे गए हैं, आप 2 साल से ज़्यादा यूके में नहीं रुक सकते, ये आप ध्यान रखिएगा। आप वहाँ पे कोई बेनिफिट्स को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ना ही आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को ऑन योर एप्लीकेशन, दे मस्ट अप्लाई सेपरेटली। अगर मैं चाहूँ तो मैं अपनी वाइफ और अपना अलग से बैलेट में डालूंगा और देखते हैं कौन सेलेक्ट होगा, अदरवाइज ऐसे मैं नहीं कर सकता कि मेरी वाइफ मेरे साथ जा रही है डिपेंडेंट के तौर पर। एंड वर्क एज ए प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन, आप किसी भी स्कूल या कॉलेज में कोच नहीं हो सकते हैं। दोस्तों अब आप सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन में हैं वीडियो के, अब तक आपने सोच लिया होगा मन में भी कि क्या बैलेट क्या है, क्या लॉटरी सिस्टम है, ये सब बता दिया, अब आपने कॉस्ट भी बता दी, एलिजिबिलिटी भी बता दी। अब मेन चीज़ ये है कि अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वीज़ा के लिए अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। यू मस्ट बी सक्सेसफुली सिलेक्टेड, अप्लाई करने से पहले आपकी सिलेक्शन होना जरूरी है, सिलेक्ट हुए नहीं आप अप्लाई करने चले गए उसका कोई मतलब नहीं है, सिलेक्शन अगर होगी तो आपको ईमेल आ जाएगी, सिंपल सी बात है, 2 हफ्ते के अंदर जो आपको बता दिया। अब ये एम्बेसी वालों को या गवर्नमेंट को सबको डिक्लेयर करना जरूरी होता है कि आप उस वक्त करेंगे क्या, प्रूविंग योर आइडेंटिटी एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज ए पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन। ये जो एप्लीकेशन का एक वो पार्ट होगा एक, उसमें आपको यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी प्रूव करनी होगी, तो उस टाइम में आपको क्या बोला जा सकता है वो यहाँ पे आपको बता रहे हैं। यू विल आइदर हैव योर फिंगरप्रिंट्स और फोटोग्राफ टेकन एट द वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, तो जब आप अप्लाई करेंगे तो आपकी ये जो आइडेंटिफिकेशन होगी उसके लिए आपको बोला जाएगा कि आप अपने फिंगरप्रिंट्स और फोटोग्राफ लेने के लिए वीज़ा सेंटर में आइए, जब आप अप्लाई कर रहे होंगे उस वक्त की बात है। तो ये आपको पहले ही वहाँ पे यहाँ पे लिख के दे दिया है गवर्नमेंट ने वेबसाइट पे कि आपने आपको यहाँ पे आगे क्या बोला जाएगा, वो इसलिए बोला जाएगा क्योंकि आपकी आइडेंटिटी को हमें वेरीफाई करना है। यू विल बी टोल्ड व्हाट यू नीड
टू डू, आपको बताया जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए व्हेन यू अप्लाई। अभी आप जब नीचे अप्लाई करेंगे तो बीच में ही आगे आपको बता दिया जाएगा कि आप कैसे कैसे क्या करेंगे, वरना बीच लास्ट में आपको जब पता चलेगा तो वेरीफाई करेंगे तो आप कन्फ्यूज रह जाएंगे। इन्होंने पहले यहाँ पे लिख दिया है, इफ़ यू नीड, यू डू नीड एन अपॉइंटमेंट, अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप यहाँ पे ऐसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब मैं आपको अप्लाई करना बता रहा हूँ कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। इंडिया आपने सेलेक्ट करना होगा, उन्होंने पहले बता दिया। वेयर आर यू प्लानिंग टू लिव, तो सबसे पहला यही है कि आप कहाँ पे प्लान कर रहे हो, कहीं पे भी सेलेक्ट कर दीजिए, आपकी मर्जी है, या आप देख लीजिए जहाँ चाहते हैं आप, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, जो भी है, आयरलैंड, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए, डिसाइड कर लीजिएगा। आप सेलेक्ट करने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे। डू यू हैव करंट EU और स्विस पास, नहीं हमारे पास ना स्विट्जरलैंड का ना EU का कोई पासपोर्ट नहीं है, हमारे पास इंडियन पासपोर्ट है सिर्फ। नो क्लिक करेंगे आप, उसके आगे सेलेक्ट अ कंट्री टू प्रोवाइड योर बायोमेट्रिक्स। अब बायोमेट्रिक करने के लिए आपको अपनी सिलेक्शन, आपने इंडिया लिखना है यहाँ पे, और वहाँ पे आप आगे चलेंगे ताकि इंडिया के अंदर ही आपके आइडेंटिफिकेशन हो सके, वेरिफिकेशन हो सके। तो यहाँ पे आपने बताना है कि मैंने आइडेंटिफाई कर ली, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि आपने TV का कहाँ करना है, उसी तरह से लोकेशंस भी आपने आइडेंटिफाई कर लिए बायोमेट्रिक की, आपने वहाँ पे यस कर देना है। यहाँ पे आगे आप चलते जाएंगे और यहाँ मोबिलिटी स्कीम, ये आप यहाँ आपको बता रहे हैं कि आप अप्लाई करने से पहले आपने ये सारा कुछ पढ़ लेना है। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि अप्लाई करने से पहले ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए कि आपने समझ लिया है। तो हमारा यहाँ यूथ मोबिलिटी स्कीम के अंडर ही जाएगा, तो मैं आपको सीधा यहाँ पे अप्लाई पे ले जाऊँगा, क्योंकि मैं अप्लाई कर रहा था यहाँ पे, तो मेरे को अपना ईमेल आईडी वगैरह डालना पड़ा। तो मैं आपको सीधा यहाँ पे अप्लाई नो क्लिक करके नेक्स्ट में लेके जा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको अपना ईमेल आईडी रजिस्टर करना पड़ेगा, तो जो आपने बैलेट के टाइम किया था वही यहाँ पे करना है। मैंने भी अपना ईमेल आईडी डाला था यहाँ पे और मैं आगे बढ़ा था, लेकिन मेरा सक्सेसफुल तो कुछ है नहीं, मतलब तो मैं सिर्फ आके देख रहा था यहाँ पे। आके जाके आपको भी यहाँ पे ईमेल आईडी डाल के पासवर्ड डालना है, और ऊपर ये जो नंबर 2 पे एप्लीकेशन है, डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये डिक्लेरेशन आपने करनी है, और बाद में आपने पे कर देना है। जो पे करना हो वो आपको आगे डिटेल्स मिल जाएंगी और फर्दर एक्शंस आपको यहाँ पे आके वो बता देंगे। तो अप्लाई करने के लिए आप किसी और की भी हेल्प ले सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि आप अगर चाहें तो UK जा सकते हैं लॉटरी सिस्टम के साथ। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो कुछ ही हफ्तों में आप UK पहुंच सकते हैं। खर्चा इसका बिल्कुल भी कुछ नहीं है, बस आप एलिजिबल हों तो। और अगर आपने बैलेट में एंट्री लेनी है तो उसका लिंक 25 तारीख तक आ जाएगा उसी पेज में। किस पेज पे आएगा वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां जाके बैलेट में एंट्री ले सकते हैं। एंट्री लेते वक्त आपको क्या डिटेल्स भरनी है वो भी मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपको अप्लाई कैसे करना है वो मैंने आपको अभी लास्ट में बताया है कि अप्लाई कैसे करना है। अगर आपसे अप्लाई नहीं होगा तो आप किसी और की भी हेल्प ले सकते हैं, वो आप देख सकते हैं। अगर आप अप्लाई भी कर देते हैं, आपका बायोमेट्रिक भी हो जाता है, सारी वेरिफिकेशन हो जाती है, तो आपको वीज़ा मिल जाएगा, और वीज़ा मिलते ही आप UK जा सकते हैं, वहाँ पे 2 साल के लिए रह सकते हैं। इससे बढ़िया मौका इंडिया में तो शायद ही किसी को मिलेगा। ये इंडिया और UK के बीच में जो ट्रीटी साइन हुई है उसके अंडर है, जो वहाँ पे इंडिया से हर साल 3,000 लोग जाएंगे और UK से इंडिया भी 3,000 लोग काम करने के लिए आएंगे 2-2 साल के लिए। तो आपको सबको बेस्ट ऑफ लक, आप ट्राई कीजिए, और हो सकता तो आप इंग्लैंड चले जाइए। थैंक यू।